नमस्ते, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी। कल से मैंने सोचा कि डेली थोड़े समय के लिए लाइव आए और आप लोगों से बात की जाए। कल की वीडियो को आप लोगों को बहुत ही अच्छा फीड मिला, इसलिए हमने सोचा डेली कहीं ना कहीं 5 या 10 मिनट के लिए आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों से बात करें। तो मैं आप लोगों से कुछ पूछना भी चाहता हूँ कि हमारी संस्था सही कार्य कर रही है या गलत डायरेक्शन में। आप हमें बिल्कुल मार्गदर्शन दें, हमें आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि संस्था धीरे धीरे बड़े स्तर पर पहुँचती जा रही है, जिसमें अगर हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारी संस्था कहाँ गलती कर रही है, तो कहीं ना कहीं अपनी युवा पीढ़ी का, आप लोगों का और हमारा और अपनी संस्था का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम आप सभी लोगों से यही निवेदन करते हैं कि संस्था के बारे में किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी आपको मिले तो एक बार हमें सूचित जरूर करें, तो हम अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी संस्था की क्लासेस डेली संचालित हैं। संस्था में कल एक नए प्रोजेक्ट का और शुभारम्भ हो गया है, जो है हमारी माता और बहनों के लिए है, वो है ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क कोर्स, जिसमें संस्था के द्वारा अपने पूरे ब्यावरा ब्लॉक से 25 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। उन 25 लोगों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के बाद में उन लोगों को सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला सब्सिडी वाला अनुदान वाला लोन जो हम बोल सकते हैं, वो बिना किसी कमीशन के प्राप्त होगा। उनको एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। लोन लेने के बाद में बड़ी आसानी से अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करके एक बढ़िया सी अर्निंग माता और बहनें कर सकती हैं। और वो भी उनके मन में भी रहता है कि जब पुरुष सब कुछ कर रहा है तो हम क्यों ना करें, तो उसके लिए भी बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकती हैं और अपने खुद के पैरों पर खड़ा होकर काम कर सकती हैं। संस्था उनका पूरा सपोर्ट करेगी, जैसे अभी तक युवाओं का सपोर्ट किया है, बहनों का सपोर्ट किया है, तो माताओं के सपोर्ट के लिए भी संस्था ग्राउंड लेवल पर आ चुकी है। कहीं ना कहीं डेली यही कोशिश है कि ब्यावरा के लिए नई नई सौगात लेकर आएँ और अपने ब्यावरा के युवा भाई और बहनों को बेरोजगारी की समस्या से निदान पाएँ। इसी बीच में आज फिर से भोपाल में संस्था की मीटिंग है, हो सकता है कि आज की मीटिंग के बाद भी कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट संस्था के पास आएँ और उन प्रोजेक्टों को हम आप लोगों के बीच में लाएँ और आप उन प्रोजेक्टों का बड़ी आसानी से लाभ ले सकें और एक अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकें। देखिए, नौकरी करने का सपना सभी का होता है, बहुत अच्छी बात है, नौकरी करिए, पर नौकरी करने का सपना ना तो मेरा था कभी, ना मैं चाहता हूँ कि युवाओं करें। युवा खुद ही अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मजबूत होते हैं, उन्हें किसी की नौकरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक युवा ठान ले तो वो पूरे अपने गाँव की, अपने तहसील की या अपने ज़िले की या फिर अपने राज्य का बड़ी आसानी से नाम रोशन कर सकता है। राज्य के साथ साथ वो देश का नाम भी रोशन कर सकता है, अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर सकता है। बस एक युवा ठान ले अपने मन में कि मुझे ये करना है तो करना है। ठीक है, मेहनत सभी कर रहे हैं, पर मेहनत करने की डायरेक्शन सही है क्या? हम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ हमको वापस रिटर्न इतना दे पाएगी जिसके लिए जिस चीज़ हम मेहनत कर रहे हैं? तो युवा भाई, नौकरी अच्छी बात है, कल ये नौकरी के लिए मेहनत करिए, पर एक बिजनेसमैन बनने के लिए भी हमेशा तत्पर रहिए, क्योंकि बिजनेसमैन ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवन में सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है और खुद के साथ साथ अपने आसपास के कई लोगों को बड़ी आसानी से रोज़गार दिलवा सकता है। बिजनेस कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में आगे करो, आप ग्रामीण क्षेत्र, आप खेती से जुड़े हो, खेती के बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पास भी हैं, जो स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं, हम उनके साथ उन आइडियाओं को शेयर करते हैं। आप अगर मुर्गी पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट अपने गांव में करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से सरकार आपको उसके लिए लोन देगी। लोन जैसे कि राज्य हमारी मीटिंग थी कल परसों में, तो हमारा पशु कार्यालय में ही गए थे हम, वो पशु चिकित्सा अधिकारी जी से मिलकर के आए, उन्होंने हमें बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया है कि भैया ऐसी ऐसी योजनाएँ अगर कोई लाभ लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इन योजनाओं का निःशुल्क लाभ हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो आप लोग उन योजनाओं के बारे में थोड़ा सर्च करिए, मोबाइल आपके पास भी, हमारे पास भी, बाकी हम आपको योजनाओं की थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दें।
बाकी आगे की जानकारी निकालनी पड़ेगी। आपके क्षेत्र का पशु हॉस्पिटल रहता है जिसको अपन पशु चिकित्सालय बोलते हैं, उसमें डॉक्टर भी रहता है, वो डॉक्टर आपको योजनाओं की जानकारी देगा। जैसे अभी हमारी जो स्वास्थ्य पशु अधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने बताया था हमें कि अभी वर्तमान में योजना संचालित है जिसमें 40 से 45 चूजे निःशुल्क दिए जाएंगे। उन चूजों का देख रेख करना, उनको बेचना वगैरह जो भी प्रॉफिट होता है पूरा किसान करेगा। तो चूजे को कोई अलग से कुछ चीज़ नहीं खिलाना है, जो अपने घर का बचा हुआ मटेरियल है वो ही उनको डालना है, वो बड़े होंगे आप उनको सेल करिए, उनके और बच्चों में साथ धीरे धीरे अपना बिजनेस को प्रोग्रेस करिए। बिजनेस कोई भी छोटा है बड़ा नहीं होता, हर बिजनेस की शुरुआत जीरो से होती है। आज हमारी श्री बालाजी संस्था की शुरुआत भी जीरो से हुई थी और आज कहीं ना जीरो से शुरुआत के द्वारा संस्था इतने बड़े स्तर पर नगर ब्यावरा के अंतर जिले राजगढ़ में कार्यरत है और कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ नया संस्था करते ही रहते हैं। तो हम आप सभी लोगों से भी उम्मीद करेंगे, क्योंकि हम भी आप में से एक युवा हैं, हमारा भी बैकग्राउंड तो इतना तगड़ा है कि हमारे पिताजी विधायक, कि हमारे पिताजी एमएलए, दोनों चीज़ एक लेवल क्या हमारा वही कलेक्टर है, सब कोई बैकग्राउंड नहीं है। सारी जो भी है मेहनत है, आप लोगों का प्रेम है, सहयोग है, मेरी टीम का सपोर्ट है, इसी प्रकार से हमने श्री बालाजी कि न्यू रत्न को साथ दिया, जितना बड़ा एम्पायर ब्यावरा के अंदर खड़ा कर दिया है और कहीं ना कहीं इस एम्पायर को लेके अपन बाहर भी जाने वाले हैं। तो हमें आप युवा भाइयों बहनों की माताओं की सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन कर रहे हैं कि संस्था बिल्कुल सही कार्य के लिए लगी हुई है, आप संस्था का सपोर्ट करिए, आप सिर्फ सपोर्ट करिए। कोई आपसे बोले कि संस्था ऐसी वैसी तो उसे अपनी तरफ से जवाब दीजिए, आपको लगता है संस्था कुछ गलत कर रही है तो आप एक बार हमें जरूर सूचित करें, इससे हम आपसे हमेशा सहयोग की उम्मीद रखेंगे। और सभी लोगों से यही विनती करते हैं कि श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस का समर्थन करते रहिए, आने वाले समय में आप सभी युवा भाइयों और बहनों के साथ मिलकर हम ब्यावरा की दशा और दिशा बदलने की पूरी ही कोशिश करेंगे। बस आप लोगों का समर्थन ऐसे ही मिलता रहे, जैसे आज संस्था चिकागो में लगी हुई है, आप लोगों का साथ मिलता रहा है, ऐसे ही संस्था को हमेशा आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। तो जो जो चीज़ें हम बाहर देखते हैं वो चीज़ें हम ब्यावरा में आके ही रख देंगे। जैसा आपने सुनना होगा आज तक कोई सभी प्रोजेक्ट आया, कुछ भी आया तो अपने ज़िले में चला गया हो, क्यों गया? क्योंकि अपने ब्यावरा के लोगों ने उस प्रोजेक्ट को यहाँ लेने का कभी सोचा ही नहीं, उनको ऐसा लगा कि हमारा क्या फ़ायदा इसमें, और उन्होंने अपना फ़ायदा देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये प्रोजेक्ट अगर अपने क्षेत्र में आता है तो अपने युवाओं का तो फ़ायदा होगा, अपना हो या ना। तो आज अपन कार्यक्रम ये चीज़ें संचालित थी, उन चीज़ों को ब्यावरा तक लेकर आए, आपको उनके बीच लेकर आए, तो आगे भी हम कुछ सारी ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जो अपने ब्यावरा क्षेत्र के युवाओं को दर दर भटकने से बचाएगी। तो आप सभी संस्था से जुड़िए, किसी भी माध्यम से जुड़िए, सोशल नेटवर्किंग से जुड़िए, कॉलिंग से जुड़िए, यूट्यूब से जुड़िए, या फिर संस्था में आकर रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना। इन किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं, आप संस्था के साथ जुड़िए या फिर संस्था के सदस्यों के मोबाइल नंबर ही सेव कर लीजिए। आपको तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी डेली अपने मोबाइल पर घर बैठे मिलेगी, मोबाइल का यूज़ बिल्कुल सही होगा अगर आप एक बार संस्था से किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं। आप चैनल को फॉलो भी कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड होगी। और बाकी मैं डेली आप लोगों के बीच में लाइव आने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, तो मुझे बताइएगा कि मेरा लाइव आना सही है या गलत। धन्यवाद। जय श्री बालाजी सरकार। जय श्री राम।